हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे। कई सर का कॉल आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि हम जब स्टैंडिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारा कमर का बैलेंस नहीं बनता, हमारा स्टैंडिंग का बैलेंस नहीं बनता, और जब हम खड़े होते हैं तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है और थकान भी लगती है। तो मैं सोच रहा था कि खड़ा खड़ा एक्सरसाइज करते करते आपको वीडियो बना दूँ, जिससे आपको बेनिफिट भी होगा और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। दोस्तों, जब भी आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज करो, चाहे आप 2 मिनट करो, चाहे 3 मिनट करो, या आप 5 बार या 10 बार जब भी करो ना, तो ऐसा नहीं कि 5 बार करने के बाद बैठ जाओ, बैठो मत। आपको क्या करना है कि अगर आपका मतलब लग रहा है कि आपका बैलेंस ऑफ हो रहा है या आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आपको सीधा जैसे भी सपोर्ट से या कैसे भी आप खड़े रहो, चाहे वॉकर से या किसी से भी, आपको कम से कम 15 या 20 मिनट से स्टार्ट करना है खड़ा रहना। और डेली सुबह 1 घंटा और शाम का 1 घंटा जितना हो सके आप खड़े रहो। बहुत ही सिंपल ट्रिक है बैलेंस बनाने की, स्टैंडिंग बैलेंस बनाने की, और अपने बॉडी वेट को पैरों पर शिफ्ट करने की, जिससे आपके नी में भी पावर आएगा और आपके पैरों में भी पावर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि 15 मिनट 20 मिनट से आपको स्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग बैलेंस बना के रखना है और खड़ा रहना है, सिंपल खड़ा रहना है बस। आपसे नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन आपको थोड़ी घबराहट होगी, दूसरे दिन और टाइमिंग बढ़ेगी, तीसरे दिन और टाइमिंग बढ़ेगी। हाँ, अगर आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है तो आप बैठ के रेस्ट कर लो, 1 मिनट 2 मिनट आप बैठो, थोड़ा पानी पियो, फिर उसके बाद में वापस से खड़े हो जाओ। और जब कम से कम आपको 15-20 मिनट तो डेली खड़ा होना ही है, जिससे क्या होगा, आपका बॉडी बैलेंस बनेगा, स्टैंडिंग बैलेंस बनेगा और आपके स्टैंडिंग की टाइमिंग बढ़ जाएगी सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब भी आप चलोगे ना, तो आप फिर थोड़ी सी देर जैसे 2 कदम 3 कदम चलोगे थक जाओगे, तो इसके लिए भी आपको स्टेमिना बनाने के लिए भी आपको स्टैंडिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको 15-20 मिनट डेली खड़ा होना है, उसे बढ़ाते बढ़ाते जैसे आज 15 मिनट हो गए, कल 20 मिनट होना है, परसों आधा घंटा होना है, फिर 1 घंटा होना है, तो 1 घंटा तो दिन में आपको खड़ा रहना ही है, जिससे आपका बॉडी बैलेंस भी बनेगा, स्टैंडिंग बैलेंस भी बनेगा और आपके पैरों में पावर भी आएगा। ठीक है ना दोस्तों? अगर घबराहट और बेचैनी आती है थोड़ा रेस्ट करो, लेकिन फिर से थोड़ा ज़िद्दी बन जाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2 मिनट खड़े हो गए, नहीं नहीं थोड़ी घबराहट होती है बैठ जाऊँ, नहीं, 1-2 मिनट रेस्ट करो, वापस से खड़े हो, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, फिर घबराहट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ दिन में 15 मिनट खड़े रहो, आपका स्टैंडिंग बैलेंस भी बनेगा, स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके पैरों में पावर भी आएगा। ओके दोस्तों, तो एक्सरसाइज करते रहो, आगे बढ़ते रहो और जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करो।